जवाब दे रहा हूँ, हमारी जुबान है उसे विदेशी जुबान कहते हैं, ये भी बहुत कम लोगों ने इसका नाम सुना होगा। विदेशी जुबान सुबह सरहद में बोली जाने वाली एक आम जुबान है। उस जुबान के हवाले से मुख्तसर हमारे जमान सागर साहब, जिनका ताल्लुक कलाम से है, वो आपके अपना मकाले का मुख्तसर आपके सामने पेश करेंगे। जमान सागर साहब, ये हमें फ्रंटियर लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस के नकार में हमारे साथ बहुत तावन किया है। मोहतरम जमान सागर साहब, सबसे पहले मैं गंदारा हिंदू बोर्ड का शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने आज इतना बड़ा प्रोग्राम किया। पिछले साल की तरह इस बार भी बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं और मुख्तलिफ जुबान के लोग मौजूद हैं, और इस बार तकरीबन कुछ नई जुबानें भी आई हैं, और ये इस कॉन्फ्रेंस की कामयाबी का बहुत बड़ा सबूत है। मेरा ताल्लुक कलाम स्वाद से है और मेरी अपनी जुबान गाँव की है, तो मैं अपनी साहब ने उससे बात की थी, मैं उसको काम नहीं करूँगा। मैं एक ऐसी जुबान पर बात करूँगा जो अब मर चुकी है, मैं भी मर चुकी है, उसका नाम है विदेशी। जो स्वाद के विशिग्राम नाम एक इलाका है, मध्यम से अगर आप मिश्र की तरफ जाए तो स्वादी में बोली जाती जाती थी, उसके बोलने वालों की कुल तादाद करीबन 600-700 है, और इस दिनों बाद में उसका जिक्र आया है कि उसके कुल 600-700 अफराद उसको बोलते हैं, लेकिन ये बात करते हैं क्योंकि मैं 3-4 साल से जुबान के काम कर रहा हूँ तो आज जाता हूँ, लेकिन सिर्फ 3 बुजुर्ग ही ऐसे हैं जो इस जुबान को बोलते हैं। और ये यहाँ पे इस जुबान को मेंशन करने का मेरा मकसद ये है कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्कॉलर बैठे हुए हैं और हमारे साहिबान भी यहाँ पे हैं, और मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि पाकिस्तान की 69 जुबानें बोली जाती हैं, उसमें से ज़्यादा जुबानें तकरीबन सुबह सरहद में 30 जुबानें, तो सुबह में 6 जुबानें बोली जा रही जाती हैं, उनमें से भी 3 जुबानें विदेशी, शोजो और दाटवा, ये तकरीबन जो है ख़त्म हो गई है। और ये विदेशी में तो सिर्फ 3 अफराद ऐसे हैं जो इस जुबान को बोलते हैं। तो मैंने दरख्वास्त यहाँ पे और वो ये है कि मतलब आप लोग ऐसा एक इदारा बनाएं, ऐसा एक प्लेटफॉर्म में मुहैया करें और हमारे जितने भी स्कॉलर हैं उनको मुहैया करें, ताकि वो इन छोटी जुबानों पे काम करें और इन छोटी जुबानों को जो है वो महफूज करने के लिए जो है कोशिशें करें। हम लोग हमेशा देखते हैं फॉरन स्कॉलर की तरफ, जितने भी हमारे जो माहिर इस्लामियात ने यहाँ पर काम किया है वो ज़्यादातर फॉरनर आए हैं, तो हमें लोकल स्कॉलर को देखना है, हमें लोकल जो हमारे माहिर इस्लामियात हैं, फरोजिया जंगल साहिब बैठी हैं, डॉक्टर फेजी यहाँ बैठे हुए, बाकी और हमारे साथी हैं, तो अगर एक प्लेटफॉर्म हमें मुहैया हो तो हम अपनी जुबानों पर काम करें और अपनी जुबानों को महफूज करें, ताकि जो हमारे खूबसूरत बोलियाँ हैं और जो खूबसूरत फूल हैं ये मरने से जो है मुझे पता चले। मैंने बहुत कोशिश की इस जुबान को प्रिजर्व करने की, कई बार मैं वहाँ पे गया, लोगों से मिला, काफ़ी जो है मैंने तकदो की, लेकिन बड़ी मुश्किल से सिर्फ 1.25 मिनट बंदों से मिला सका हूँ और वो 1.25 मिनट मैंने रिकॉर्ड किए हैं। तो मतलब ये ना कि हम लोगों ने अंग्रेजी और उर्दू को मतलब अपनाया हुआ है, हमें उनके सच्ची नज़र आती है कि अपनी जुबान में हमें हकीरियत, हम उसको हकीर समझते हैं, और ये अच्छी बात है। हमारे ज़्यादा लोग ये समझते हैं कि अगर हम अपनी उर्दू अंग्रेज़ी बोलेंगे तो हम तरक्की हासिल करेंगे, लोग हमें तरक्की याफ्ता कहेंगे, ये गलत बात है। जब तक आप अपनी ज़ुबान को सही तौर पर नहीं बोलेंगे, अपनी ज़ुबान की इज्जत नहीं करेंगे, आप मतलब अगर आप दूसरी ज़ुबान बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, आपको कोई जो है ना वो शाबाशी नहीं देगा। अगर मैं 100 बार सही अंग्रेज़ी बोलूँ, सही उर्दू बोलूँ, फिर मैं वही गाऊँ, फिर मैं वही पछताने, मुझे पछतो वाले मेरे पछताने हैं, सही है। उसी तरह मेरी दरख्वास्त यही है कि अपनी जुबान ना छोड़ें। मेरा ये मुशाहिदा है कि मतलब बच्चों को आप जितनी भी जुबानें सिखाएं वो सीख जाते हैं। मेरी अपनी बेटी है, उसकी उम्र 8 साल है और वो अभी 5 जुबानें बोलती है, ग्रामीण तो वाली पश्चिम तो उर्दू और अंग्रेज़ी। इससे ये पता चल जाता है कि हर बच्चा जो है वो 5 से 10 जुबानें भी वो सीख सकता है, लेकिन हम लोगों ने अपने जहनों में ये बात बिठाई हुई है कि नहीं, ये बच्चे ये जुबानें नहीं सीख सकते और हम उनको अंग्रेज़ी सिखाएं ताकि ये आगे बढ़ तरक्की करें, ये गलत बात है। जब तक आप जो उसका जो उसकी जो बुनियाद है अगर आप अपनी मातृ जुबान पर नहीं रखें तो यूनेस्को ने डकार फोरम में भी ये बात छेड़ी थी कि उनका
क्योंकि जब तक आप बच्चों को मादरी जुबान में तालीम नहीं देंगे इब्तदा मादरी जुबान से नहीं होगी तो वो आगे जा के कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। गुज़श्ता दिन अखबारात में आपको भी सबने पढ़ा होगा एक बात का जिक्र था कि जो बच्चे इब्तदाई तालीम मादरी जुबान में हासिल करते हैं और एक से ज़्यादा जुबानें वो बोलते हैं तो बुढ़ापे में भी मंद होता है क्योंकि वो हादसा अच्छा रहता है मादरी जुबान से ये बाकी जो एक जुबान बोलने वालों से। इसी को मैं अपनी तकलीफ ख़त्म करता हूँ और एक बार फिर मैंने अपने मौजूद मिस्टर साहिबान और बाकी जो हमारे स्कॉलर हैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि और आगे आएँ और इस दुबारों को महफूज करने के लिए कोशिश करें।